नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल में। दोस्तों, आज हम ऐसी समस्या लेके आएंगे जो लगभग सभी को फेस करनी पड़ती है। जो हमारा जो कूलर का पंप होता है, वो कई बार उसकी नोज़ल होती है वो साफ़ सफाई के अंदर टूट जाती है, या फिर हम कई बार उसको छेड़खानी करते हैं या फिर कचरा वगैरह साफ़ करते हैं तो उसके ऊपर लगी हुई नोज़ल टूट जाती है। तो दोस्तों, उसका कोई उपाय हमें मिल नहीं पाता। तो दोस्तों, मैं आपको एक चीज़ दिखाऊंगा। देखिए दोस्तों, ये कूलर में लगने वाला एल है जो वहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटर वाटर डिस्ट्रीब्यूटर के बाद में पाइप में लगा होता है, ताकि हमारी जो पानी है वो हमारी कूलर की टाटियों पे लगे। तो दोस्तों, ये एकदम इसमें फिक्स हो जाता है। आप देखिए दोस्तों, ये पंप के अंदर फिक्स हो गया है और काफ़ी अच्छा टाइट हो जाता है। तो दोस्तों, इमरजेंसी में आप इसको यूज़ में ले सकते हैं, और इमरजेंसी में ही नहीं, ये काफ़ी परमानेंट आपका जुगाड़ एक तरीके से हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, ये पाइप आपको जो पंप का नोज़ल है वो नहीं मिलेगा कहीं भी ढूंढने पे। अलग अलग साइज के पंप होते हैं, उनका जो डायमीटर होता है सबका डिफरेंट होता है, तो वो आपको इजीली नहीं मिल पाएंगे। तो फ्रेंड्स, ये इसमें लग चुका है, काफ़ी अच्छी तरह से फिक्स हो चुका है। तो दोस्तों, कईयों में तो ये फिक्स हो जाता है और कईयों में यह ढीला रह जाता है। जैसे मेरे पास ये सेकेंड पंप है, देखिए दोस्तों, इसमें काफ़ी ढीला है, काफ़ी लूज़ है। तो इसका हम क्या करेंगे? तो दोस्तों, कई बार आपने देखा होगा कि एमसील होती है, वो काफ़ी यूज़फुल होती है। तो हम इसका भी यूज़ करके इसको इससे चिपका देंगे, ताकि ये इसमें फिक्स हो जाएगा। तो दोस्तों, एमसील किस तरीके से लगाते हैं वो आपको मैं लिंक दे दूंगा, मेरे पुराने वाले वीडियो को आप देख लेना। तो एक तो ये तरीका हो गया, इसको एमसील लगा के आप इसको फिक्स कर दीजिए, आपकी प्रॉब्लम शॉर्ट आउट हो जाएगी। और दूसरी चीज़ है कि आपको स्टैंड अगर इसको लगाना है, तो आप एक जो इलेक्ट्रिक टेप आती है इंसुलेटेड के लिए टेप आती है, उसको आप इस पर लपेट दीजिए। इसका जो साइज है पाइप का, वो बड़ा हो जाएगा, मोटा हो जाएगा और इजीली आपके पंप के अंदर फिट हो जाएगा। फ्रेंड्स, काफ़ी इजी भी है और काफ़ी यूज़फुल आपको मैं ये चीज़ बता रहा हूँ, और ये 100% वर्किंग है। तो फ्रेंड, इसको आप लपेट लीजिए और इसको बीच बीच में चेक कर लीजिए, कहीं इसका डायमीटर बड़ा ना हो जाए। थोड़ा सा और मुझे इस पर लपेटना पड़ेगा, ज़्यादा आपको। अब देखिए दोस्तों, इसमें अभी भी लूज़ है, तो आप ज़्यादा इसको लपेट दीजिए, और इतना भी ज़्यादा मत लपेट दीजिए, काफ़ी ज़्यादा मोटा हो जाए, नहीं तो आपको बाद में हटाना पड़ेगा। अब मुझे लगता है कि अब ये सही हो चुका है, फिक्स हो चुका है। चलो, मैं इसको अब हटा के तोड़ के इसको मैं लगा दूंगा। ये थोड़ा टाइट लग रहा है मुझे इसमें, तो मैं इसमें से एक दो लेयर और इसकी हटा दूंगा, ताकि इसमें फिक्स हो जाए। तो दोस्तों, कई बार हमारे को ये प्रॉब्लम आती है, हमारा जो पाइप होता है, पाइप की जो नोज़ल होता है वो पंप से कनेक्ट करते समय टूट जाता है, या काफ़ी पुराना हो जाता है, तो वो थोड़ा सा हाथ लगाने पर भी वो टूट जाता है। तो दोस्तों, इसमें काफ़ी ये फिक्स हो चुका है दोबारा से। अब इसको किस पंप को कैसे भी रख दीजिए, उसमें प्रेशर से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो दोस्तों, आपका ये एक जो पंप था जो ख़राब हो चुका था, यूज़ में नहीं आ रहा था, अब आप इसको यूज़ में ले सकते हैं। दोस्तों, कैसा लगा मेरा वीडियो, प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। थैंक यू।